अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैं तो ऐसा गाड़ी का रिव्यू नहीं करता, कभी रिव्यू नहीं किया, लेकिन ये गाड़ी मैं लिया, ये बाइक का गाड़ी है, बाइक BJ40 है। तो ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आया, पूरा एक पैकेज है ये गाड़ी में, ऑफ रोडिंग हो या सिटी ड्राइव हो, और हर मोड पे गाड़ी चलता है, और बहुत बेहतरीन एक पैकेज है। आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर भी इंजन भी दिखाता हूँ, अंदर क्या क्या सिस्टम है, और एकदम लग्जरियस गाड़ी भी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी एकदम नंबर वन है। अभी सऊदी में नया आया है, बहुत ट्रेंड कर रहा है ये गाड़ी, वो चल रहा है, और दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा देखिए। और जो भी लेना चाहते हैं ये गाड़ी ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। ये देखिए, ये स्पोर्ट्स मोड है, ये फिर हिल एरिया पे है, ये भी हिल एरिया पे 4L है, ये फिर अगर रास्ता ख़राब है या तो सैंड पे गाड़ी चला रहे तो इस पे लगा सकते हैं। ये पूरा 4L हैवी 4L है ये, और ये इंजन स्टार्ट इधर से होता है, और ये एसी का जो दिया है एकदम बेहतरीन, फ्लाइट जैसा फ्लाइट में रहता है, जो एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं ऐसे घूमेगा। और LCD भी दिया है, ये देखिए, ये बैक कैमरा है, ये ग्लास पे पूरा कैमरा रहता है, और ये इधर DVR दिया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग रहता है, गाड़ी कहाँ जा रहा है, पूरा रास्ते का पोजीशन अगर इधर देख के आप चलाना चाहते हैं तो इधर देख सकते हैं। और AC भी देखिए, AC दो AC है, ये डुअल पे दे दिए, तो अगर ड्राइवर साइड को ज़्यादा ठंडी चाहिए तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगा, और अगर पैसेंजर को थोड़ा गर्मी चाहिए वो भी हो जाएगा। ये हो गया डुअल AC। ये देखिए, अभी पैसेंजर को एकदम लो टेम्परेचर देगा 18.5, अभी ड्राइवर को दे रहा है 22। कंप्लीट दो AC है गाड़ी में, तो दोनों ऑप्शन है, अगर डुअल AC नहीं चलाने चाहते आप तो सिंगल AC चला ले। और ये रहा स्पीड, ऑटो स्पीड पे चलाने के लिए, उस पर दबा के फिर, अभी तो गाड़ी एक जगह रुका हुआ है, तो इस पर सेट करके आप जितने में चलाने चाहते हैं तो इस पर रख दीजिए सेट करके। और ये फ़ोन के लिए भी वो दिया हुआ है, फिर ये वॉल्यूम है, फिर गाना चाहे तो आगे पीछे करने के लिए सब सिस्टम दिया हुआ है, और इधर भी ये मेनू दिया हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए, ये बॉक्स खोलने के लिए ये दिया हुआ है, और फिर अगर किसी को सीट गर्म करना है तो ये सीट गर्म के लिए बटन दिया हुआ है। हाई टेम्परेचर चाहिए तो ये 3 चलेगा, अगर थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा कम करिए, ऐसा करके। ये पैसेंजर के लिए भी है, ये देखिए, ये पैसेंजर के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए तो पूरा 3 चलाना पड़ेगा। और इसका ये बॉक्स पे भी पूरा फ्रीजिंग है, पानी जूस रखिए, पूरा ठंडी हो जाता है। और ये भी इधर एक स्पेस है देखिए, और फिर पीछे का AC इधर है, और ये चार्जिंग के लिए पोर्ट लगाने के लिए इधर, या तो लैपटॉप चलाने के लिए प्लग लगा सकते हैं इधर।
और ये देखिए ये पूरा ये पार्ट पूरा निकल जाता है, ये अंदर पाइप लगा हुआ है, देखिए ये पीछे का भी पार्ट पूरा निकल जाता है। ये देखिए ये पूरा पाइप लगा हुआ है, ये देखिए पूरा पाइप लगा हुआ है। तो ये ऊपर का पार्ट आप खोल के रख दे घर पे तो पूरा क्लासिक जीप की तरह हो जाएगा। ये देखिए अभी ये पीछे भी काफी बॉक्स है, ये देखिए इधर भी जो सामान रखने चाहते हैं आप रख सकते हैं, इधर पूरा स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए ये पीछे का पाइप है तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। तो अभी तो बहुत गर्मी है तो ठंडी का सीजन पे मैं खोलूंगा खोल के। ये देखिए ये पार्ट पूरा निकल जाएगा, ये ग्लास भी निकल जाएगा पूरा, खाली ये दरवाजा रहेगा और फोन का डोर रहेगा, ये पूरा निकल जाएगा। और ये देखिए गाड़ी का पीछे भी कोई गाड़ी खींचने के लिए दिया हुआ है, टायर भी बहुत मोटा टायर है, ये देखिए टायर का साइज देखिए बहुत बड़ा साइज है टायर का। ये देखिए ये पूरा ये पार्ट खोल के आप रख दो तो ये पूरा क्लासिक लुक हो जाएगा। और आगे से ये जो दिया हुआ है ये ग्लास खोल के इस पे रखने के लिए, फ्रंट ग्लास खोल के इसका ऊपर रख के, और ये दिया हुआ है लॉक, ये लॉक इधर लॉक लगा दो और ग्लास पूरा इधर नीचे आ जाएगा। गाड़ी टो करने के लिए ये लगा हुआ है, अगर कोई गाड़ी भी खींचना चाहता है या कोई फंस गया इसको निकालना चाहते हैं तो ये लगा हुआ है, इसके सामने इसी का बम्पर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और ये सामने ग्रिल पे भी स्टील का लगा हुआ है जो काफ़ी लुक्स अच्छा दे रहा है। और ये देखिए इसका इंजन, ये देखिए रात का व्यू गाड़ी का, ब्लू लाइटिंग है, ये खूबसूरती देता है गाड़ी का,
देखिए अभी देखिए गाड़ी सिस्टम सेटिंग पे जाके ओके दबाते देखिए अभी सेट टू ऑफ रोड मोड अभी ओके दबाते अभी गाड़ी ऑफ रोड मोड पे आ गया। अभी ये गियर चेंज करूंगा मैं। ये वीडियो ज़रा क्लियर नहीं हुआ, यहाँ तो दिन में कोई नहीं निकलता है, बाहर रात को ही निकलते हैं। तो मेरा बेटा को दिया था मोबाइल पकड़ने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। लेकिन ये पूरा सैंड का ऊपर जहाँ रास्ता भी नहीं है, तो गाड़ी आराम से सर रास्ता पे निकल लेता है। और भी बहुत ख़तरनाक रास्ते पे मैं गया, लेकिन गाड़ी आराम से निकल लेता है। वो फुटेज रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए दिखा नहीं पाया। और आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और इस तरह आप लोगों का प्यार बने रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।